अब कहे ना बोली निकला था कि के निर्दोष रहे के का रहे, जो भी हम एफ आई आर किए हैं परफेक्ट किए हैं, सारे मोबाइल लोकेशन सारा जो भी लोगों का एफ आई आर किए हैं वो लोकेशन वहाँ है, वो गोली चलाने में है, दो आदमी पकड़ाया है, सबका नाम भी धरा है, अब क्या चाहिए। अब बीए, बीकॉम, बीएससी और एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, प्रणाम को लगतनी, हम है राजा रुआ देखतनी मैच बॉक्स। एक सप्ताह से लगभग सीमान के माहौल फेन गरम बा। मामला बा कि अजय सिंह के करीबी की गोली लागल बा, आ गोली चलावे के आरोप रईस खान लगता जौन की पूर्व MLC प्रत्याशी भी रह चुकल बानी आ भाजपा से आगे रहनी, जनता के प्यार दुलार सब मिल रहल। मामला का बा जाने के प्रयास करतनी हम डायरेक्ट रईस खान से। रईस खान जी, आरोप बा कि गोली चले ले बानी बाइक से जाके। देखिए, जो भी आरोप लगा है बेबुनियाद है, गलत है, उस समय हम अपने घर पे हैं। घर पर बने तो फिर आरोप कैसे लग गए रोगे रुआ गोली चले ले बने। देखिए, अब तो हमारा जो भी प्रतिबंधी हैं, चाहे राजनेता हो चाहे किसी भी देश से हमको फंसाए हैं, बहुत सोच समझ के आधुनिक युग आ गई बा। पहले वाला बात नहीं है कि जाकर हम अपना पावर यूज करके FIR कोई पर करा देने, आप पुलिस से हटवाओ तो नहीं, अब वो सब ना चली। जो भी हकीकत है सामने है, हम गांव पे हैं, अपने सीसी फुटेज मेरा देख लीजिए, FIR का समय देख लीजिए, हम अंदर एंट्री कर रहे हैं घर में, उस समय का समय देख लीजिए। तो एक समय पर एक इंसान दो जगह कैसे गोली चला सकता है, एक जगह यहाँ घर में घुस रहा है, एक जगह गोली चला रहा है। बात जब गोली चले जाए होता तो चुनाव जब लड़ रहे MLC के साथ हमने योग रहने जाए तो रुआ कहनी कि अंगुली माल अब कालिदास हो गई, वाल्मीकि हो गए बनी, तो रुआ फैन कहीं ना कहीं डिप्रेशन देखें चुनाव के कि रुआ फैन में गोली चलाओ शुरू कर दे बनी। देखो, डिप्रेशन में तू बार, हमारा कोई डिप्रेशन नहीं है, ठीक बा। और चुनाव हार जीत तो चुनाव में लागल रहेला, कोई एक ही आदमी ने जीती, कोई एक ही आदमी जीतेगा, जब पाँच आदमी लड़ रहा है तो एक ही आदमी जीतेगा। और सिवान के समस्त जनता हमको अपने दुलार प्यार से सेकेंड स्थान पर रखा। अब तो ये तो सिवान के जनता ने तय करी, और विपक्ष के जितना भी लोग बा वो लोग तो कुर्सियाँ पहले से हिलते बा कि रईस खान अब आगे बढ़ राजनीति में, क्या उनका दाल रोटी तो चली ना, आ ना हमारा सामने कोई प्रतिक्रिया हम ना कोई के देनी ना सुने नहीं। रहल कि फंसावे के, जो भी हमारे भाई इतना दुलार प्यार से हमको फंसा रहे हैं, तो सच्चाई पहले जान लीजिए, उसके बाद किसी को फंसाइए, ठीक है। इस घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं। CCTV फुटेज लगातार चलता है, उस फुटेज के क्या मतलब बा, ऐसे कम देखा तो फुटेज के अनुसार क्या भाई 11 मिनट के टाइम बचा था, तो कोनो गाड़ी उड़ी रख ले बनी का स्पेशल जेट फ्लाइट बाकी जो डायरेक्ट जाके हो जाए। तो इंडियो में सब फ्लाइट नहीं है कि 11 मिनट में कहीं पहुंचा के फिर तुरंत रिटर्न कर दे, बा कोई फ्लाइट तो बोलो वो खरीद के मंगा के ले रखती थी, तुरंत गली तुरंत आ गई नहीं। ये सब बेबुनियाद बाटे, और प्रशासन से हमारा पूरा उम्मीद बा, और इस पर प्रशासन जाँच कर रही है, हर एंगल से प्रशासन जाँच करे, आज जो दोषी बा ओकरा पूछे करो। सक्षम बने तरह जाँच हो जाए, अब इन अगर आम आदमी फंसो लोग। देखिए, आम आदमी जो भी आदमी अभी अभी के डेट में आम आदमी का जो फंस रहा है, तो आम आदमी के पास हर सुविधा बाना, और हमने के देखा कहीं ना कहीं लोग बदनाम कैले बा, तो अपना डिफेंस अपना सुरक्षा खातिर हर जगह व्यवस्था आदमी रखल बा, आम आदमी खातिर भी सुविधा समाधान बा। मोबाइल बटे और मोबाइल लोकेशन से कहाँ बा, वो आदमी स्पॉट पर बा कि नहीं है, ये तो प्रशासन टेक्नोलॉजी इतना हाई फाई आ गई बटे कि अब पहले वाला बात नहीं है, मगर आम आदमी तक उस सुविधा इसलिए नहीं पहुंच पाता है कि वो तत्पर नहीं है, और न्याय ढंग से उस मान लें कि उसके पीछे बैक सपोर्ट नहीं है किसी तरह का, जो आम आदमी उसमें लाभ नहीं उठा पाता है। एक वीडियो चलता लगातार वही घटना के बाद वीडियो चलता कि हमरो हाथी कुछ करे के पड़ी का। अब जोन वीडियो चलता तू लोग जोन वीडियो देखता अब के का कोयले बा, तो समय के न बात बा, समय के बात बाटे जैसे जगह जोन बुझा बोले
आ जोन चीज उठावे उठावे ऐसे कोई भागत थोड़े बा। आखिर मैंने रवि गांधी देखे एगो बात बा 11 मिनट के अंतर बा ज्यादा के टाइम बा फासला ने के 11 मिनट के अंतर बा तो हो सकता है कि ओकरा पहले रोबा चलल हो के में 11 मिनट पहले ही एंट्री के लोके अपना घर में। हाँ अब तो तहार लोग मीडिया वाला तो कुछ कह सकता 11 मिनट में हम सिवान से आ भी जाए कह के आ उससे पहले जब गाँव में बनी या पहले भी फुटेज बा जब हम उतरत नहीं पचे थे तो घुसत नहीं उस टाइम में मिला लो तो बाकी दूसरा लोग कहें नहीं कॉल जाए ओम प्रकाश यादव भी बड़ा बड़ा लोग बचीला में बड़ा बड़ा नेता बड़ा संबहादुर चाचा बड़न सभी बाबे वो लोग कहें नहीं कॉल आखिर उम्मीद क्या है कहता बात। अब तो ये चीज तो तू न समझ बा भाई कि रईस खान के बार बार रईस खान पर अटैक भी भइल रईस खान पर झूठा FIR भी होता इससे पहले भी हम कहे थे कि 2024 से पहले रईस खान का व्यवस्था करे के सारा लोग उपाय लगैले बा कि कैसे फंसा दी चाहे कैसे मरवा दी मगर जब मालिक बारन बचाए वाला तो कोई का बिगड़ सकता हमारा प्रशासनिक रूप में अभी तक कहाँ तक रुआ पहुँचल बने हर जगह भेजे है और इस पर मांग किए हैं कि सही दिशा से जाँच हो और न्याय मिले तो बता आरोपित बने रुआ आवेदन की न भेजे एसपी साहब तो वही जब उठा लिया तो मान लेंगे आवेदन भेजे वाला कमी बा भाई नहीं खे खानदान में लोग नहीं खे दोस्त मित्र नहीं खे वकील नहीं खे अकेले ही बनी का है हम जाके एप्लीकेशन देते रही जब FIR हमारा बाबा तो हमारे लोग जाए हमारे भाई जाए हमारे वकील जाए सारा लोग जाता हमारे समर्थक कमी बा ऐसा नहीं कि कयास लगाओ जैसे कि लोकसभा चुनाव और वो लड़े वाला बनी लोकसभा चुनाव और ही लोग लड़े वाला बा एकरा के देख के कहीं चुनावी रंजिश तो अभी तक नहीं चलत ये सब चुनावी रंजिश बा कोई मान लें कि उनका कोई के खेत थोड़े धैले बा मान लें कि वो बात रहे कि हम तारा खेत धैले बने तारा जगह जमीन धो ले बने तब दुश्मनी बा ये तो मान लें कि चुनावी सिर्फ रंजिश है कि किसी तरह रईस खान को डैमेज करना है। वर्चस्व की लड़ाई तो हमेशा सिसवन में रहल बा सिसवन में क्या वर्चस्व की लड़ाई सिवान में रहल बा हर जगह बिहार के हर जिला में बा वर्चस्व की लड़ाई वर्चस्व के लड़ाई उस भाई से भी यही कहना चाहते हैं कि सही देखिए सही में पता कीजिए और सही से किसी पर आरोप लगाइए क्या है कि आधुनिक युग बा अब पहले वाला बात नहीं है कि कोई को कोई फंसा दी ठीक बा और सुप्रीम कोर्ट हमारे न्यायपालिका भी इस चीज़ को मानता है 11 मिनट 8 मिनट में कोई कहीं जा नहीं कह सकत 11 मिनट तो तरह सिसवन चैनपुर जाए में लगी चैनपुर में तरह 15 मिनट से ऊपर लगी एक पहले हमरा से इंटरव्यू हो रहा था एगो आरोप लग रहा कि जितना भी केस बा लगभग हमरा के फर्जी फसावल बा तो का ये बात सही होत लोग बता सही लोगते बा अब देख लो हाउ तो हर केस में हम रिहाई हो गई बनी दो चार गो बाटे सिवान में वो छोटा मोटा केस बा वो खत्म हो जाई अब यही से देख लो लगभग कोई दर्जन केस लड़ रहा पर सब रिहाई बा सब रिहाई बा सब में क्लीन चिट यानी कहीं ना कहीं सस्पेक्ट में रहने सब सस्पेक्ट में आरोपित कहीं नहीं कहीं ना सब में रिहाई कोर्ट हमारे देखिए सबसे पहले किसी पर कोई आरोप लगता है थाना में FIR होता है तो न्यायपालिका उसका डिसीजन करता है न्यायपालिका से जब हमको रिहाई हो गए और जब हम उस केस में हर तरह से बड़ी हो गए तो हम साफ सुथरा छवि के हो गए हम कुछ भी चुनाव भी लड़ सकते हैं चुनाव भी लड़े यही कारण है आरोप रहित सजा रहित हम चुनाव लड़ पाती तो रउआ नीतीश कुमार के सबसे करीबी संबहादुर सिंह के काफी करीबी हैं छोट भाई हैं रउआ के भर भाई कहानी ते पर नीतीश कुमार के का रिएक्शन बा रिएक्शन जो सच्चाई है उस सामने आएगा झूठ किसी पर आरोप लगा देना किसी को गलत फंसा देना ऊपर वाला है ना तो झूठ और सच्चाई में झूठा चीज़ जो है थोड़ा देर के लिए आपको परेशान कर सकता है और सच्चाई जो है सामने आता ही है आज आवे चाहे कल आवे हम तो सब लोग से एप्लीकेशन के द्वारा किसी भी एंगल से जांच कर ली जाए इस केस में रईस खान का कहीं से कोई भूमिका भी हो तो हम दोषी होंगे ये बात तो आज से 3 महीना पहले जब रहुआ पर गोली चल रहा तो सामा साहेब के जन फैन क्लब रहा मैसेज करो व्हाट्सएप करो ट्विटर पर पता डालो कि वह निर्दोष रहा अब तो प्रशासन इतना नज़दीक आ चुकी है उस केस में अब कहे ना बोली निकलता
कि के निर्दोष रहे के का रहे, जो भी हम एफ आई आर किए हैं परफेक्ट किए हैं, सारे मोबाइल लोकेशन सारा जो भी लोगों का एफ आई आर किए हैं वो लोकेशन वहाँ है, वो गोली चलाने में है, दो आदमी पकड़ाया है, सबका नाम भी धरा है, आप क्या चाहिए? तो मेरा सब सही भाई, मेरा रुआ पक्की सो गए, रुआ गलत हो गए, लोग गलत हो गए। देखिए जो गलत है उसको लोग गलत ही कहेगा, जो सही है उसको लोग सही कहेगा। हम पर गोली चलता है, हम जो भी एफ आई आर किए हैं उसमें एक रत्ती गलत नहीं है। अब प्रशासन इस रोल में, इस केस में बहुत करीब तक पहुंच चुकी है, अब देर नहीं है। आज जो जो उसमें पकड़ाए हैं, दो व्यक्ति एक अज्ञात में पकड़ाए गए एफ आई आर वाला, वो सब आप जाके अपने से फाइल चेक कीजिए, हम तो डिटेल नहीं ना बतावेंगे, सब लोग इसमें हैं। प्रशासन के किससे क्या अनुरोध करें? प्रशासन से अनुरोध यही है कि अपने सही इस दिशा से सही एंगल से जांच किया जाए, आज जो डिसीजन प्रशासन को करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, हाल ही देखा तो नहीं बतकुचन रईस खान जी से बतकुचन कैसा लागल ओकरा कमेंट करके बताई।